साहब जरा फैन दिखाइएगा, ये देख क्या प्राइस है इसका। 1800 जेन्युइन रेट बता रहा हूँ आपको। 1800 ज्यादा नहीं है प्राइस भैया? भाई साहब रेट तो बड़े आपके ज्यादा है, मार्केट में कम पे भी है। हमारे यहाँ रेट एकदम जेन्युइन है। गौरव जिया नहीं दिखाई दे रही है। जिया क्या हुआ सर? भाई साहब मेरी बेटी थी जिया, पता नहीं कहाँ चली गई। देखिए यही कहीं खेल रही होगी। क्या चाहिए आपको? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा बैग चाहिए? ऐसे बैग्स मेरे पास बहुत सारे हैं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? 500 भाई साहब आपने मेरी बेटी को देखा है? हाँ, व्हाइट टी शर्ट ब्लू जींस में। हाँ अभी एक लड़का इधर से आया था, रेड टी शर्ट में दाढ़ी वाला लंबा सा था, वो आपके बच्चे को बैग, उसने आपके बच्चे को बैग दिलाया, वो बच्चे को लेके इस तरफ से गया, जैसे अभी गया। थैंक यू भाई साहब। सोने के लिए पैसे देता हूं क्या तेरे को मैं? ये लो एक बच्चा और संभालो। कहां से लायो? मार्केट में घूम रही थी, माँ बाप से अलग हो गई। और बच्चा पार्टी खाना अच्छे से खाया? हाँ भैया पेट भर के खाया। क्या बात है, दिल्ली जगह ही ऐसी है, खाना तो मिल ही जाता है। हाँ भैया सुबह तो कूड़ेदान के पास लोगों का फेंका हुआ खाना मिल जाता है, और दिन में स्कूल के बाहर अमीर लोगों के बच्चे अपना लंच फेंककर बाजार का खाते हैं, और रात में या तो किसी रेस्टोरेंट या शादी के बाहर। क्या बात है लक्ष्मी, तू तो ट्रेंड हो गई, ये लो इसे भी ट्रेंड कर। ठीक है भैया। तुम इन बच्चों का करोगे क्या? देख जब तक चल रहा है ऐसे ही चलने दे, जब कोई खरीदार मिलेगा बेच बेच देंगे, तब तक भीख भीख मांगने के लिए तैयार कर इनको। Thank you.
गौरव मुझे मेरी बच्ची चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ वरना मैं। पुलिस अपना काम कर रही है ना, तुम थोड़ा धीरज रखो प्लीज। मैम आप चिंता मत करो, हमने चारों तरफ से अलर्ट कर दिया है, किडनैपर अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। वैसे सर क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। या कोई दुश्मनी? नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, न जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो। सर आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों उसके बिना जी नहीं पाएंगे। डोंट वरी सर, जब तक मैं हूँ आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अजय विजय चलो मेरे साथ। बच्चों आप दोनों कहाँ रहते हो? वो एक पास में झोपड़ी है ना, वहाँ पर। कौन कौन है तुम्हारे साथ? एक भैया है, कुछ बच्चे हैं। और आपके साथ? मेरे मम्मी पापा हैं। मैं मुंबई तो वो भैया मुझे यहाँ ले। नहीं ये झूठ बोल रही है। देखो आप दोनों डरो मत, मैं आपको और आपके भैया को कुछ नहीं करूँ। आप मुझे सच बताओ क्या बात है? अजय विजय अरेस्ट देम। मुझे क्यों पकड़ा है? मैं तो इन बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। हमें अच्छे से पता है तुम इन बच्चों का क्या करने वाले हो और कैसे ख्याल रखते हो। नहीं भैया के साथ कुछ मत करो, हमारे गांव में तो माँ बाप एक टाइम का खाना भी नहीं दे पाते और उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया। यहाँ कम से कम खाना तो मिलता है, चाहे वो फेंका हुआ क्यों ना। अजय विजय को लेके चलो, मैडम आप बच्चों को लेकर आइए। गौरव अभी तक जिया का कुछ पता नहीं चला, पुलिस क्या कर रही है कुछ पता करो। पुलिस अपना काम कर रही है ना, तुम थोड़ा धीरज रखो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप आइए। ये लो सर आपकी बेटी जिया। जिया सर इन मैडम ने हमारी बहुत मदद करी है। जिया बोलो। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं। दीदी अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? बच्चा बेटा तुम सब बच्चे हमारे साथ रहोगे, मैं बाकी लोगों से अपील भी करूँगा कि खाना भगवान की ऐसी देन है जिसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज की डेट में भी हमारे देश में न जाने ऐसे कितने ही गांव हैं जहां लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं है। जो किसान इस खाने को पैदा करता है वही भूखा मरता है, और बिल्ला जैसे लोग ऐसी सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं।